हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महिला शिक्षा पर आज हमारा टॉपिक रहेगा। और महिला शिक्षा की जब बात करें तो देश की पहली महिला कुलपति कौन है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, देश की पहली महिला कुलपति के बारे में। और यहाँ से अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बहुत सारे सवाल हैं जो इस टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देश की पहली महिला जो कुलपति हैं वो है हंसा मेहता जी। हंसा मेहता जी हैं जो हमारी देश की पहली वाइस चांसलर थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि किस यूनिवर्सिटी की वो पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी, ये आपको बताना है। तो देश की पहली महिला कुलपति कौन है? हंसा मेहता। तो हंसा मेहता जी हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, हंसा मेहता। अगर हम यूजीसी की बात करें, एनटीए की बात करें, तो हंसा मेहता कमेटी से आपके एक सवाल है जो पूछा गया है। दो तीन बार ये सवाल आपका रिपीट हो चुका है कि हंसा मेहता कमेटी है वो किससे संबंधित है। तो हंसा मेहता कमेटी है वो वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड है। दोस्तों, हंसा मेहता जी की बात करें तो ये फ्रीडम फाइटर भी रही हैं, ठीक है, हमारी आज़ादी में भी इनका बहुत योगदान रहा है। साथ में दोस्तों, ये कैबिनेट जो आपकी संविधान सभा जो आपकी बनी थी बेसिकली, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनकी भी ये मेंबर रही हैं, है ना। महिला राइट्स के लिए इन्होंने काफ़ी फाइट किया है, है ना, काफ़ी अग्रणी रही हैं। देश की आज़ादी में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं देश की पहली महिला कुलपति हंसा मेहता जी के बारे में, और हंसा मेहता कमेटी के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि अभी आपका होली का फेस्टिवल चल रहा है, तो सभी को आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में दोस्तों, अगर आपका सपना है इस बार नेट क्लियर करना और आपका सेट क्लियर करना, तो नेट और सेट के जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज हैं, उन सब पर आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है, 20% का डिस्काउंट, फ्लैट 20% ऑफ है जो आपको यहाँ से मिलेगा। और ऑफर की वैलिडिटी है जो आपकी 26 मार्च तक है। तो आपको क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करना है, और अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके आपको लगाना है होली 20 कोड। होली 20 कोड आप जैसे ही लगाएंगे तो इंस्टेंट आपको यहाँ से 20% का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब पर, ठीक है। कोई डाउट हो तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी और आपको बैचेस भी मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज का टैब है, ये आपको बैचेस यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेट के भी बैचेस हैं आपके लिए, एमपी सेट के भी बैचेस हैं आ चुके हैं, और नेट के भी आपके बैचेस हैं जून वाले एग्जाम के, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और पेपर टू मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आपका कोर्स है वो अवेलेबल है। तो हिस्ट्री से अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो जी, तो बात करते हैं हंसा मेहता जी के बारे में। और हंसा मेहता जी हैं वो वुमेन एजुकेशन की एडवोकेट रही हैं, वुमेन के अधिकारों को उन्होंने काफ़ी उठाया है, वुमेन की आवाज़ वो बनी है। तो हंसा मेहता जी की हम बात करें, हंसा मेहता जी की बात करें तो देश की पहली महिला कुलपति थी हंसा मेहता। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो, ठीक है, हंसा मेहता है ये देश की पहली महिला कुलपति थी, ठीक है। हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनकी भी ये सदस्य रही हैं, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी थी इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी की, ठीक है, बड़ौदा यूनिवर्सिटी की फर्स्ट महिला वाइस चांसलर थी, ठीक है, बड़ौदा यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर थी। तो 1949 में शी बिकेम द वाइस चांसलर ऑफ द न्यूली एस्टेब्लिश बड़ौदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। फर्स्ट टाइम कोई महिला है जो किसी यूनिवर्सिटी को हेड कर रही थी, और वो थी हंसा मेहता जी, ठीक है। वो कौन थी? हंसा मेहता जी थी, ठीक है। और हंसा मेहता जी हैं, इनका जन्म है 1987 में होता है, 1897 में होता है, 1995 में इनकी डेथ हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये है हंसा मेहता जी। अब देखो, यहाँ से एक सवाल पूछा गया था आपसे, एनटीए में एक सवाल पूछा गया था, और वो सवाल आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा सवाल था। सवाल क्या था आपका कि हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी सेटअप बाई द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन इन 1962 to examine the differentiation of curriculum for boys and girls at all stages of education. भक्त वसलम, हंसा मेहता,
दुर्गाबाई देशमुख और मार्गेट कौसन्स। तो ये आंसर बताइए सब लोग, करेक्ट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही उत्तर? एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी सेट अप बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन इन 1962 टू एग्जामिन द डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो देखो जी, इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका हंसा मेहता। ठीक है, हंसा मेहता है ये इसका क्या है आपका सही आंसर है। तो 1962 में जो आपकी कमेटी बनी थी वो थी आपकी हंसा मेहता कमेटी। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो हंसा मेहता कमेटी है जो अपॉइंट की गई थी बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन इन 1962 अंदर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीमती हंसा मेहता जी, है ना। इसमें कि टू एग्जामिन द डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये सवाल आपसे एनटीए ने पूछा था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे भक्त वत्सलम है ना, यहां से भक्त वत्सलम समिति है, ये भी महिला शिक्षा से रिलेटेड ही है आपकी। ठीक है, ठीक है, और हंसा मेहता है ये भी महिला शिक्षा से रिलेटेड हमने बात की। भक्त वत्सलम समिति बनती है आपकी 1963 में, ठीक है, और हंसा मेहता कमेटी आपकी बनती है 1962 में, और दुर्गाबाई देशमुख समिति जो बनती है वो 1958 में बनती है। ठीक है, और मार्गेट कौसन्स कौन है आपकी? मार्गेट कौसन्स है नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की ये फाउंडर रही है। ठीक है, 1927 में नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की क्या रही है, ये फाउंडर रही है। तो ये सारी की सारी है, ये सारी की सारी कमेटी है, जिस सारे के सारे नाम है ये सब के सब महिला शिक्षा से जुड़े हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो नाम है ये आपके किससे जुड़े हैं, महिला शिक्षा से जुड़े हैं। तो इनको हमें याद आपको रखना है। ठीक है, हंसा मेहता जी के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। हंसा मेहता जी हैं, ये देश की पहली महिला कुलपति हैं। ठीक है, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर रही हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी की रही हैं, बड़ौदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, बड़ौदा यूनिवर्सिटी की ये पहली महिला चांसलर रही है, वाइस चांसलर रही है, है ना, ये हमें याद रखना है सबको। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारे सवाल हैं जो वुमेन से पूछे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत की पढ़ी लिखी महिलाएं कौन कौन सी हैं। अगर महिला शिक्षा की बात करें तो प्राचीन भारत की जो लंडन वुमेन है वो कौन कौन सी है, विश्वावरा है, लोपामुद्रा है, अपाला है, उर्वशी है, घोषा है, शुलाबा है, लीलावती है, मैत्री है, सरस्वती है, शना है, गार्गी है, ये सब प्राचीन भारत की क्या है आपकी पढ़ी लिखी महिलाएं रही हैं। तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है, है ना। वुमेन कमेटी मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी है कि कौन कौन सी वुमेन से रिलेटेड, भक्त वत्सलम, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, ये सब महिला शिक्षा से रिलेटेड आपकी समितियाँ हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, और इस सेशन को थोड़ा शेयर भी करना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको इस ऐसे सेशन से जो मिलते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।